हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सैटेलाइट एंड रडार सिस्टम की एक और नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 56 तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे 56 तक। अब करेंगे 57 से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 57 से। डिफाइन स्काई नॉइस। स्काई नॉइस क्या होता है? अब यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं। इट इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रोवेव रेडिएशन विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट यूनिवर्स एंड विच अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम मैटर इन एनी फॉर्म एट फाइनाइट टेम्परेचर। तो ये जो है ये आपका राइट आंसर है, ए वाला। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। डिफाइन नॉइस फैक्टर। नॉइस फैक्टर क्या होता है? तो नॉइस फैक्टर में आपके यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। पहली जो ए है वो आपका जो है राइट है। नॉइस फैक्टर देखिए ये होता है, एन अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्पलीफायर नॉइस इज बाय मीन्स ऑफ इट्स नॉइस फैक्टर। इट इज डिफाइनिंग द एन एफ ऑफ एन एम्पलीफायर डिनोटेड बाय टू यूजली टेकन एज 290K N0 आउटपुट 5FGKT0। तो 58 का जो ए आंसर है वो करेक्ट है। 59 क्वेश्चन, व्हाट इज एन एब्जॉर्प्टिव एंड अपॉन W? तो इसका राइट आंसर ए है। इट इज वन विच कंटेन्स रेजिस्टिव एलिमेंट्स, दीज इंट्रोड्यूस लॉसेज बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सिग्नल एंड कन्वर्टिंग इट टू हीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, आल एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्प्टिव नेटवर्क्स। एब्जॉर्प्टिव नेटवर्क के सभी एग्जाम्पल क्या हैं? पहला ए रेजिस्टिव एटेन्यूएटर्स, बी ट्रांसमिशन लाइन्स, सी वेव गाइड्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी जो तीनों हैं रेसिस्टिव, ट्रांसमिशन और वेव गाइड, तीनों जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं एब्जॉर्प्टिव नेटवर्क के। तो डी आंसर जो है ऑल ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम नॉइस फैक्टर। नॉइस फैक्टर की इक्वेशन जो है वो ये आप देख सकते हैं, ए वाली। टी एस इज इक्वल टू 10T प्लस टी एल टी वन प्लस एल माइनस वन टी जीरो अपॉन जी एन प्लस एल एफ माइनस वन टी जीरो अपॉन जी वन। ये जो इसकी इक्वेशन है, ठीक है। 62 है, डिफाइन सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी। सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी क्या होते हैं आप जानते हैं। द फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंटीना टू प्रोड्यूस सेचुरेशन ऑफ TWTA इज टर्म्ड द सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी। तो ए आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 63, ए सैटेलाइट डाउन लिंक एट 12 GHz ऑपरेट्स विद ए ट्रांसमिट पावर ऑफ 6 W एंड एन एंटीना गेन ऑफ 48.2 dB। कैलकुलेट द ERP इन dB W। राइट आंसर इज 56 dB W। क्वेश्चन नंबर 64, कैलकुलेट द गेन ऑफ ए 3M पैराबोलॉइडल एंटीना ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 GHz, एज्यूम एन एपर्चर एफिशिएंसी ऑफ 0.5। राइट आंसर इज 48.9 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन। सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? तो ए है, ए ट्रांसपोंडर चैनल अब्रॉड ए सैटेलाइट मे बी फुली लोडेड बाय ए सिंगल ट्रांसमिशन फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन, दिस इज रिफर्ड टू ए सिंगल एक्सिस मोड ऑफ ऑपरेशन। जो ए आंसर है वो हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मल्टीपल एक्सिस टेक्निक्स। मल्टीपल एक्सिस टेक्निक्स के लिए जो मेथड है वो कौन कौन से हैं? ए TDMA, बी FDMA और सी कहता है कि ए और बी दोनों, यानी TDMA और FDMA दोनों हैं। तो यही जो है हमारा दोनों हैं, तो सी आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इन CDMA। CDMA में क्या होता है और इसके टाइप्स। तो इसके चार ऑप्शन हैं। इन दिस मेथड ईच सिग्नल इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर कोड दैट इज यूज टू स्प्रेड द सिग्नल इन फ्रिक्वेंसी एंड और टाइम। तो ए आंसर जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, टाइप्स ऑफ CDMA। CDMA के टाइप्स, ए स्प्रीड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सिस, बी पल्स एड्रेस मल्टीपल एक्सिस, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो सी आंसर जो है वो हमारा राइट है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज ए थिन रूट सर्विस। थिन रूट सर्विस क्या है? तो चार ऑप्शन दिए हैं। ए आंसर जो है इसका करेक्ट है, SCPC सिस्टम आर वाइडली यूज्ड ऑन लाइटली रूट्स, दिस टाइप ऑफ सर्विस बींग रिफर्ड टू एज दिस रूट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंटेलसैट SCPC सिस्टम।
इंटरसेट SCP सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? तो चार ऑप्शन है, ये वाला हमारा जो है वो करेक्ट है। द सिस्टम इज दैट ईच चैनल इज वॉइस एक्टिवेटेड, दिस मीन्स दैट ऑन ए टू वे टेलीफोन कन्वेंशनल ओनली वन कैरियर इज ऑपरेटिव एट एनी वन टाइम। क्वेश्चन नंबर 74, वट इज एन TDMA, वट आर द एडवांटेज? तो ए आंसर जो इसका करेक्ट है, ओनली वन कैरियर यूजेज द ट्रांसपोंडर एट वन एनी वन टाइम एंड देयर फॉर इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट विच रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन ऑफ मल्टीपल कैरियर्स आर एबसेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, वट आर द एडवांटेज ऑफ TDMA? TDMA के एडवांटेज क्या हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला आप देख सकते हैं, द ट्रांसपोंडर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड एट मैक्सिमम पावर आउटपुट। बी, द ट्रांसपोंडर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड एट सैचुरेशन पावर आउटपुट, या सी ए एंड बी। सी आंसर है ए एंड बी, वो बिल्कुल हमारा जो है वो करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, वट इज प्रीएम्बल। तो इसके चार ऑप्शन हैं, ए आंसर जो है राइट है। अब प्रीएम्बल होता क्या, देखिए डेफिनेशन, सर्टेन टाइम स्लॉट्स एट ए बिगिनिंग ऑफ ईच बर्स्ट आर यूज्ड टू कैरी टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग इंफॉर्मेशन, दीज टाइम स्लॉट्स कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज प्रीएम्बल। तो ए आंसर जो है इसका बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, डिफाइन गार्ड टाइम। गार्ड टाइम क्या है? इट इज नेसेसरी टू बिटवीन बर्स्ट टू प्रिवेंट द बर्स्ट फ्रॉम ओवरलैपिंग। बी ऑप्शन है, द गार्ड टाइम विल वेरी फ्रॉम बर्स्ट टू बर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी विद विच द वेरियस बर्स्ट कैन बी पोजिशनड विद इन ईच फ्रेम। और सी ऑप्शन है आपका ए एंड बी। तो सी आंसर है ए एंड बी, वो बिल्कुल ठीक है। तो सी आंसर जो है आपका राइट है, ए एंड बी। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय डिकोडिंग क्वेंचिंग? डिकोडिंग क्वेंचिंग क्या है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, ए आंसर जो है वो राइट है। इट इन सर्टेन फेस डिटेक्शन सिस्टम्स द फेस डिटेक्टर मस्ट बी अलाउड टाइम टू रिकवर फ्रॉम वन बर्स्ट बिफोर द नेक्स्ट बर्स्ट इज रिसीव्ड बाय इट। दिस इज नोन एज डिकोडिंग क्वेंचिंग। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्ट क्लोज्ड लूप फीडबैक? डायरेक्ट क्लोज्ड लूप फीडबैक से आप क्या समझते हैं? तो चार ऑप्शन है इसके, ए आंसर जो है वो राइट है। आपकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्लोज लूप फीडबैक की डेफिनेशन जो है वो ये दे रखी है, द टाइमिंग पोजीशंस आर रिकॉर्ड फ्रॉम द लास्ट बिट ऑफ द यूनिक वर्ड इज इन द प्रीएम्बल, द लूप मेथड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट क्लोज लूप फीडबैक। तो ये इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल? फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल होता क्या है? अब चार ऑप्शन है, ए आंसर जो है इसका सही है। द सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बैक टू एन अर्थ स्टेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दैट इज टर्म्ड फीडबैक क्लोज्ड लूप कंट्रोल। तो फीडबैक क्लोज्ड लूप कंट्रोल की डेफिनेशन आप यहां से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डिफाइन फ्रेम एफिशिएंसी। फ्रेम एफिशिएंसी क्या होता है? फ्रेम एफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रेम एफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ फ्रेम टाइम यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैफिक। तो जो ए आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए पर हमने टिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज मीन्ड बाय टेलीफोन लोड एक्टिविटी फैक्टर? द फ्रैक्शन ऑफ टाइम ए ट्रांसमिशन चैनल इज एक्टिव इज नोन एज द टेलीफोन लोड एक्टिविटी फैक्टर। तो ए आंसर जो है वो इसका बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन? डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन क्या होता है? तो डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द पॉइंट इज दैट फॉर अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम द चैनल इज अवेलेबल फॉर अदर ट्रांसमिशंस एंड एडवांटेजेस इज टेकन ऑफ दिस इन ए फॉर्म ऑफ डिमांड असाइनमेंट नोन एज डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन। तो ये आंसर जो है ए इसका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन? डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? तो ए ऑप्शन डिजिटल टाइम असाइनमेंट स्पीच इंटरपोलेशन, ए आंसर जो है वही इसका राइट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन? डिजिटल स्पीच इंटरपोलेशन के टाइप्स क्या हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है स्पीच प्रेडिक्टिव एनकोडेड कम्युनिकेशंस। तो यही आंसर जो है आपका वो करेक्ट है।
86 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीज आउट? फ्रीज आउट से आप क्या समझते हैं? तो आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन है, इट हैज एज्यूम्ड दैट ए फ्री सैटेलाइट चैनल विल बी फाउंड फॉर एनी इनकमिंग स्पीच स्पर्ट, बट ऑफ कोर्स देयर इज ए फिनिट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चैनल्स विल बी ऑक्यूपाइड एंड द स्पीच स्पर्ट लॉस्ट। लॉसिंग स्पीच स्पर्ट इन दिस मैनर इज रिफर्ड एज टू फ्रीज आउट। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएसआई? डीएसआई क्या होता है? ए ऑप्शन इज राइट, द डीएसआई गेन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल चैनल्स टू द नंबर ऑफ सैटेलाइट चैनल्स। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सैटेलाइट चैनल्स प्रोवाइडेड एज सून द वेल डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स अबव स्टेटेड अबव। तो ए आंसर जो है आपका ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसपीईसी मेथड ओवर डीएसआई मेथड? राइट आंसर इज ए, द एसपीईसी मेथड ओवर डीएसआई मेथड इज दैट फ्रीज आउट डज नॉट अकर ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज रेशियो ऑफ बिट रेट आईएफ बैंडविड्थ? नाउ राइट आंसर इज ए, आरबी अपॉन बीएच इज इक्वल टू एम, 1+P इज द रेशियो ऑफ बिट रेट आईएफ बैंडविड्थ। नो, सो यू कैन चूज द ऑप्शन नंबर ए फॉर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ कन्वेंशनल अप्रोच मेथड? कन्वेंशनल अप्रोच मेथड्स के डिमेरिट्स क्या हैं? ए है एक्सेसिव साइज एंड वेट, बी पावर कंजम्पशन, एंड सी ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं जो कन्वेंशनल अप्रोच मेथड है उसकी डिमेरिट्स जो है, एक तो पावर कंजम्पशन है और एक्सेसिव साइज और वेट है। तो ए एंड बी आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, डिफाइन स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो ए वाली जो है इसकी डेफिनेशन है, द सैटेलाइट्स इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ एंटीना स्पॉट बीम्स। द यूज ऑफ बीम्स इज आल्सो नोन एज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ए आंसर जो है इसका वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द सैटेलाइट्स विच TDMA। तो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी रियलाइज्ड बाय स्विचिंग द एंटीना इंटरकनेक्शंस इन सिंक्रोनिज्म विद द TDMA फ्रेम रेट, दिस बीइंग नोन एज सैटेलाइट स्विच TDMA। ये जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं, व्हाट इज SSS एंड TDMA? तो राइट आंसर है, ए मॉडर्न पैटर्न इज ए रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ सैटेलाइट स्विच मोड्स आल्सो रिफर्ड टू एज SSY TDMA। ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोसेसिंग गेन? प्रोसेसिंग गेन क्या होता है? ए आंसर इज राइट, द जैमिंग और इंटरफेरेंस सिग्नल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर known as processing gain. What are the applications of radar set? Radar set की applications जो हैं आप जानते हैं, ocean fission mapping और shipping and fisheries. तो A and B जो है इसके right answer हैं ये दोनों। तो C answer हमारा जो है वो ठीक है, A and B. Next, what are the applications of radar set? Application of radar set, अब यहाँ पर आपके देखिए तीन option दिए हुए हैं, चार, ऑयल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, बी आइसबर्ग डिटेक्शन, सी क्रॉप मॉनिटरिंग, डी ए बी एंड सी। तो अब यहाँ पर तीनों जो हैं इसकी एप्लीकेशन हैं, तो ए बी एंड सी, डी आंसर जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ECEF? ECEF क्या होता है? तो ECEF जो है, द जियोसेंट्रिक इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज यूज्ड विद द GPS सिस्टम वेयर इट इज कॉल्ड द अर्थ सेंटर्ड अर्थ फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आंसर जो है आपका ए वाला वो बिल्कुल राइट है, ये होता है ECEF। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन? डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन क्या होता है? तो ए आंसर इज राइट, ये आपकी डेफिनेशन जो है डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन, आप देख सकते हैं, पोजिशन कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रेंज डिफरेंसिस एंड वेयर द रेंजेस आर नियरली इक्वल एनी एरर इज ग्रेटली मैग्नीफाइड इन द डिफरेंस दिस इफेक्ट ब्रॉट अबाउट एज नोन एज ए रिजल्ट ऑफ द सैटेलाइट ज्योमेट्री इज नोन एज डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज DPOP? DPOP क्या होता है? देखिए ए आंसर जो है राइट है,
विद द जीपीएस सिस्टम डायल्यूशन ऑफ पोजिशन इज टेकन इंटू अकाउंट थ्रू अ फैक्टर नोन एज द पोजिशन डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन। ये आपका राइट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बर्स्ट कोड वर्ड। बर्स्ट कोड वर्ड क्या होता है? तो बर्स्ट कोड वर्ड जो है एक बाइनरी वर्ड है, ए कॉपी ऑफ विच इज स्टोर्ड एट अर्थ एट ईच अर्थ स्टेशन। ए आंसर इज राइट, व्हाट इज बर्स्ट कोड वर्ड। तो ये आंसर आपका जो है ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 डिफाइन एस आई सी। तो एफ आई सी जो है वो आइडेंटिफाई करता है ट्रांसमिशन स्टेशन को, तो एस आई सी द आइडेंटिफाइज द ट्रांसमिशन स्टेशन। ए आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 103 व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ रिसीविंग फ्रेम। तो ए आंसर इज राइट, एट एनी गिवन ट्रैफिक स्टेशन डिटेक्शन ऑफ यूनिक वर्ड इन द रिफरेंस बर्ड सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ रिसीविंग फ्रेम। दिस आंसर इज राइट। What is meant by burst position acquisition and burst position synchronization? तो इसके भी चार ऑप्शन है। राइट आंसर जो है ए स्टेशन जस्ट एंटरिंग और री एंटरिंग आफ्टर ए लॉन्ग डिले टू एक्वायर इट्स करेक्ट स्लॉट पोजिशन। तो ये जो है ए आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 105 व्हाट इज सिंगल एक्सिस। सिंगल एक्सिस क्या होता है? ए ट्रांसपोंडर चैनल अब्रॉड ए सैटेलाइट मे बी फुली लोडेड बाय ए सिंगल ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन इज नोन एज सिंगल एक्सिस। सिंगल एक्सिस जो है ए आंसर इसका आपका ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज एन मल्टीपल एक्सिस टेक्निक। मल्टीपल एक्सिस टेक्निक क्या होती है? ए आंसर जो है उसका ठीक है। ए ट्रांसपोंडर टू बी लोडेड बाय ए नंबर ऑफ कैरियर्स दिस मे ओरिजिनेट फ्रॉम ए नंबर ऑफ अर्थ स्टेशन मे ट्रांसमिट वन और मोर ऑफ द कैरियर्स दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज मल्टीपल एक्सिस टेक्निक। तो ये जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सिस टेक्निक्स। मल्टीपल एक्सिस टेक्निक्स के टाइप क्या क्या हैं? FDMA, TDMA या A एंड B या नन ऑफ दिस। तो FDMA और TDMA जो इसके टाइप होते हैं, तो A एंड B जो है इसका सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 108 व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है? द सैटेलाइट एज ए होल टू बी एक्सेस्ड बाय अर्थ स्टेशंस वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकली बट ट्रांसमिटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो ए आंसर जो है आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो ए आंसर को आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ए आंसर इज राइट, द सैटेलाइट एज ए होल टू बी एक्सेस्ड बाय अर्थ स्टेशंस वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकली बट ट्रांसमिटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रीयूज। दिस मेथड ऑफ एक्सेस नोन एज डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ए आंसर जो है इसका बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सी अपॉन एन रेशियो। तो सी अपॉन एन रेशियो की जो इक्वेशन है वो ये है, ए वाली, सी अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू EARP प्लस GYT माइनस लॉसेस माइनस के DB हर्ट्स। तो ए आंसर जो है आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 व्हाट इज एन एरर डिटेक्टिंग कोड। एरर डिटेक्टिंग कोड क्या होता है? तो ए कोड विच अलाउज फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स इन टर्म्ड एज एरर डिटेक्टिंग कोड। तो भाई ये तो बहुत ईजी है, ए वाला आंसर जो है इसका ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अपलिंक सेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अपलिंक सेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसिस्टर, अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर एंड पावर स्टेशन ट्रांसमीटर। तो राइट आंसर इज अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 113 साउंड सिग्नल्स इन TV आर। साउंड सिग्नल्स जो TV में होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं, DC मॉड्यूलेटेड होते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं या A और C होते हैं। तो राइट आंसर जो है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो है हमारे साउंड सिग्नल TV में होते हैं। वीडियो सिग्नल्स इन TV आर। वीडियो सिग्नल्स इन TV आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, बी डीमॉड्यूलेटेड, सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो आपको जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 115 इन ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इफ द बीम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर नेशनल कवरेज इज 1 degree then the beam width required for full global coverage may be around। तो चार ऑप्शन है इसके, राइट आंसर इज 18 degree। नेक्स्ट विद रिफरेंस टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन द एंटी जैमिंग टेक्निक प्रिफर्ड इज फ्रीक्वेंसी होपिंग।
राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग. मॉडेम इज सर्किट विच कैरीज आउट मॉडुलेशन एंड डिमोडुलेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी. यानी कि मॉडेम एक सर्किट है जो मॉडुलेशन और डिमोडुलेशन को, यानी कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी के मॉडुलेशन और डिमोडुलेशन को कैरी करता है. तो मॉडेम इज ए सर्किट विच कैरीज आउट मॉडुलेशन एंड डिमोडुलेशन ऑफ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो ए आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 118. डी ए एम ए स्टैंड्स फॉर डी आंसर जो है वो ठीक है, डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, इट इज राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन 119. पीसीएम सिस्टम इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ. पीसीएम सिस्टम जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसके ट्रांसमिशन को यूज होता है, स्पीच सिग्नल को यूज होता है, ठीक है, पीसीएम सिस्टम. तो सी आंसर इज राइट. क्वेश्चन नंबर 120. एन एंटीना कैन बी मेड मोर डायरेक्शनल बाय इंक्रीजिंग इट्स डायमीटर, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन, या ए और बी या नन ऑफ दी एव. तो ये दोनों की तरह जो है वो मेड होता है, ठीक है. तो सी आंसर जो है ठीक है. इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉडुलेशन इज यूज्ड. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मॉडुलेशन जो है वो यूज्ड होता है, कौन सा, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन. तो एफएम जो है बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन 122. एफएम इज प्रीफर्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एफएम को, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन को क्यों प्रीफर किया गया है, बिकॉज सैटेलाइट चैनल हैज़ लार्ज बैंडविड्थ एंड सर्वर नॉइस. तो ये इसका जो रीज़न है, ए आंसर बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट. एज ऑनलाइन रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर ए कनेक्शन दैट इज ए टाइम शेयर्ड, फ्रीक्वेंसी शेयर्ड, सिंपलेक्स या डुप्लेक्स. तो राइट आंसर इज डुप्लेक्स. ये जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए आर क्यू स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आता है एग्जाम में, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नीडेड इज 3. इसका जो आंसर है बी 3, ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट. द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय मोस्ट सैटेलाइट्स इज. ज़्यादातर मोस्ट सैटेलाइट्स में फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सा यूज होता है, वो होता है SHF. तो सी वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट. द टोटल नॉइस ऑफ सैटेलाइट अर्थ स्टेशन रिसीविंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यानी कि जो टोटल नॉइस है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन का, रिसीव के लिए स्काई नॉइस, एंटीना एंड फीडर नॉइस, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर नॉइस, या ऑल ऑफ द अबव. तो डी आंसर जो है आपका बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी फॉर सैटेलाइट सिस्टम लाइज बिटवीन. सैटेलाइट सिस्टम के लिए ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करती है बी 2 GHz एंड 12 GHz. बी आंसर जो है इसका बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट. कंपेंडर क्या है. कंप्रेसिज द हायर एम्पलीट्यूड पार्ट्स ऑफ ए सिग्नल बिफोर मॉडुलेशन एंड एक्सपेंड देम बैक टू नॉर्मल अगेन आफ्टर मॉडुलेशन. तो सी आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 130. इन टीवी ब्रॉडकास्ट वाया सैटेलाइट द टीवी सिग्नल फ्रॉम द मेन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट इज रोटेट टू द अर्थ स्टेशन वाया. तो राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन है, डी माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन. ये जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए टेलीफोन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू कंट्रीज इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू ए कंपोजिट सिस्टम यूजिंग ए सबमरीन केबल एंड सैटेलाइट व्हेन टू कंट्रीज आर नॉट फेसिंग कॉमन सैटेलाइट इज द राइट आंसर. सो 131 का सी आंसर जो है वो राइट है. अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ए सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ वंस इज 24 hours इज द राइट आंसर. ए सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ, एक बार में जो है वो 24 घंटे में जो है एक सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ वंस इज, एक बार में, ठीक है, 24 घंटे जो है चक्कर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नियरली. द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नियरली 9422 km/h. आंसर नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस.
बी आंसर इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,